दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे होने वाला है, जैसा आपने थंबनेल टाइटल में पढ़ा कि प्लीज अपने चैनल को बचा लो। देखिए, आप अगर एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और आप यूट्यूब पर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं लंबे टाइम तक, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए ताकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे कॉन्टेंट आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त योगी योगेंद्र और आप देख रहे हैं क्रिएटर गाइड। देखिए, ध्यान से समझिए कि जब भी आप एक YouTube की जर्नी में होते हैं, क्रिएटर होते हैं, तो शुरुआत में जब आपने चैनल बनाया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपका थोड़ा बहुत नाम होने लगेगा, थोड़ा बहुत लोग आपको पहचाने लगेंगे, आपको बेसिकली तीन प्रॉब्लम में से कोई भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, तीनों भी आ सकती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आपके जो कॉमेंट है उसमें बहुत सारे स्पैम हो सकते हैं, और ऐसे भी स्पैम हो सकते हैं जिनसे आपके चैनल को ही खतरा हो सकता है या फिर आपको पर्सनल को ही खतरा हो सकता है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या होता है कि आपका जो चैनल है वो ही हैक हो सकता है, हाईजैक हो सकता है। अब पता चलेगा आपका चैनल ही हैक हो गया तो भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और तीसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि जैसे आप थोड़ा बहुत पॉपुलर होंगे, कोई आपके चैनल का फेक चैनल बना लेगा, यानी कि आपके जैसा डुप्लीकेट चैनल बना लेगा, सेम टू सेम लोगो लगा देगा, बैनर लगा देगा, हो सकता है वीडियो भी आपकी उठा के डाल दे, और जो हैंडल होता है ना वो भी सेम टू सेम रख देगा। जैसे मेरा क्रिएटर गाइड है तो क्रिएटर गाइड वन रख देगा, टू रख देगा, यहाँ तक क्रिएटर गाइड डॉट रख देगा। तो इन तीनों समस्याओं में अगर हमें नहीं घिरना है तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला तो था अलर्ट रहना है आपको, यानी इनका बचाव कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें करें कि ये चीज़ हमारे साथ हो ही ना, ये घटना हमारे साथ हो ही ना। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि अगर हो जाए तो भाई सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम अलर्ट की बात करते हैं, हम अलर्ट कैसे रहें। सबसे पहला तो जब भी आप अपना चैनल बनाते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन तो ज़रूर लगाएं, ये बहुत ही फर्स्ट स्टेप की सिक्योरिटी है जो आपको लगानी चाहिए। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन तो 100% आपको लगाना ही लगाना है। अब बात करता हूं दूसरा ये कि जिस जीमेल आईडी से आप अपना चैनल क्रिएट करते हैं वो जीमेल आईडी ना तो बिजनेस पर्पज के लिए दे कहीं, ना कहीं और दे, उस जीमेल आईडी को आप सिक्योर रखें, उसको पब्लिक में ना दे। मैं बताऊंगा क्यों। पब्लिक में आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है कोई स्कैमर आपको कोई मेल भेजे, वो आपको फंसाए, फिर कोई फिशिंग लिंक भेजे, उस पर क्लिक करवा के आपको डिवाइस को हैक कर ले, आपके चैनल को हाईजैक कर ले। तो एक्चुअल जो जीमेल आईडी है वो उस तक पहुंचेगी नहीं जिससे चैनल बना हुआ है, तो आपका चैनल बचा रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और जो बहुत सीरियस है। स्टार्टिंग में जब आप चैनल बनाते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता कि यूट्यूब पे क्या होगा, कितना मैं फेमस होऊंगा, बाद में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टार्टिंग में एक चीज का ध्यान रखें कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है आपकी या आपकी जो भी पर्सनल चीजें, उनके बारे में उतना ही बताएं जितना आपको बताना है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, लोग कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में बता देते हैं, अपने फोटोज, अपनी फैमिली के फोटोज, अपनी कुछ पर्सनल बातें सब शेयर कर देते हैं। लेकिन भाई अभी आपको कोई नहीं जानता, लेकिन ये वीडियोस तो आपके चैनल पे हमेशा पड़ी रहेगी, या ना भी पड़ी रहे कोई ना कोई डाउनलोड करके रख लेगा। जो चीज़ आपने एक बार डिजिटल डाल दी वो छुपी नहीं रहती। जब आपका चैनल बड़ा होगा तो हो सकता है उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, उस वक्त कोई आपको ट्रोल ही करे इन चीज़ों को यूज़ करके। तो आप भाई शुरू से ही आप सोच के चले कि मेरे को वही चीज़ पब्लिक करनी है जो बाद में अगर मैं पॉपुलर भी हो जाऊँ तो भी मेरे को कोई दिक्कत ना हो, मुझे कोई ट्रोल ना करे, मेरे साथ कोई समस्या ना हो। तो अपनी प्राइवेसी को आप पहले से ही मेंटेन करके चले। इसके अलावा अपने YouTube चैनल पे जो चैनल परमिशन है वो किसी को ना दे, क्योंकि जब आप चैनल परमिशन देते हैं तो बहुत सोच समझ के दिया, तो कोई अपना ही कोई बंदा हो, मैनेजर बनाना है किसी को या कुछ करना है, तो आप भले उसको सही तरीके से यूज करें, मैं तो कहता हूँ यूज ही ना करें, उसका भी कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। एक और चीज, यूट्यूब पर आप कुछ भी करें, धर्म पॉलिटिक्स इनकी बातों से दूर रहें, क्योंकि अगर धर्म के बारे में कुछ ज्यादा डीप बोलेंगे तो आपके साथ कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बोलेंगे तो आपके पास कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। तो इनसे जितना हो सके दूरी बना के रखें, अगर आपका कैटेगरी वो नहीं है। अब अगर मान लो आपका कैटेगरी है कि आप तो पॉलिटिक्स एनालिटिक करते हैं, तब एक अलग बात है कि पॉलिटिक्स का एनालिसिस करता है वो तो। लेकिन अगर आपका चैनल कुछ और है तो इन चीजों से जितना आप दूर रहेंगे आप बचे रहेंगे, कंट्रोवर्सी नहीं होगी आपके चैनल पे फालतू की। इसके अलावा कोई भी आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है उसको आप शो ना करें। आप क्या करते हैं, नया चैनल बनाते हैं, आप पहले ही शो कर देते हैं, मेरा ये डॉक्यूमेंट है, इतना पढ़ा हूँ, यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ, आप सोचते हैं कितने ही लोग मुझे देखेंगे। लेकिन मैंने बताया एक बार डिजिटल हो गए तो हमेशा डिजिटल रहती है चीज़, तो जब पॉपुलर होंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा जब भी आप चैनल बनाएं कमेंट में मॉडरेटर जरूर लगाएं। कुछ नहीं है, आपको चैनल पर जाना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप ऐसे ऐसे कीवर्ड लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे कीवर्ड लिख सकते हैं जो ब्लॉक हो जाएंगे आपके चैनल पे, कभी भी ऐसे कमेंट आएंगे तो होल्ड रख दिए जाएंगे। ये सारी की सारी सेटिंग कर ले, कमेंट की सेटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आती, आई बटन में एक वीडियो दे दूंगा, उसमें मैंने कंप्लीट समझाया कि कमेंट में हम कैसे सेटिंग कर सकते हैं, वो आप कर ले। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि आप अपने घर का एड्रेस, अपना ओरिजिनल नेम या अपना कोई फोन नंबर जो आप नहीं दिखाना चाहते
वो भी इस बॉक्स में लिख दें, ताकि कोई किसी को अगर आपका नंबर पता भी हो और वो कमेंट सेक्शन में लिखे भी तो पब्लिक नहीं होगा वो कमेंट, ताकि लोगों को पता नहीं चलेगा और वो जो डेटा है आपका वो एक ही बंदे के पास रहेगा। तो कमेंट का सेटिंग जरूर से जरूर कर लें। इसके अलावा आप मान लीजिए आपको लगता है कि कोई चैनल है वो आपको ज्यादा ही फालतू के कमेंट कर रहा है, कोई स्पैम कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके चैनल को ब्लॉक भी कर सकते हैं ताकि वो आपको कमेंट ना करे। इसके अलावा यहां पे आपको एक चीज और मैं ध्यान में दे रही है कि कमेंट्स के अंदर जो लिंक्स है उसको भी आप ऑफ कर दे, क्योंकि कोई भी आपको कमेंट में अगर लिंक भेजे तो लिंक से आप स्पैम हो सकता है, स्पैम तो हो ही सकता है। मान लो कोई लिंक भेजेगा तो लिंक पे कोई क्लिक करके स्पैम कर दे, उसे तो लगेगा ना आपके चैनल से स्पैम हुआ है, तो आप लिंक्स ही ऑफ कर दे ताकि जब भी कोई लिंक कमेंट करे तो वो ऑलरेडी जो है पब्लिक ही ना हो। तो ये थोड़ा तरीका आपको ध्यान में रखना है स्टार्टिंग से ही, तो आप क्या होगा बचे रहेंगे, ये जो तीन मैंने प्रॉब्लम बताई वो आपके साथ नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि भाई किसी ने आपका जो चैनल है वो हूबहू बना लिया है, सेम टू सेम डुप्लीकेट चैनल बना लिया है, तो आप कुछ ना करें, आप उसके चैनल पे जाएं, अबाउट में जाएं और वहां पे आपको तीन बिंदी दिखेगी, वहां पे क्लिक करके आप उस चैनल को भी रिपोर्ट कर सकते हैं और यूट्यूब को बता सकते हैं कि ये एक फेक चैनल है, मेरी इमेज को यूज करके मेरा नाम खराब कर रहा है, तो उस चैनल को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये सब करना चाहिए, आपने लिंक बंद कर देनी, तो वो क्या कर सकता है कि सामने वाला हूबहू एक चैनल बना लेगा आपके जैसे, नाम वाम सब कुछ लग लेगा लोगों को, और वो आपके ही चैनल पे आके कमेंट करेगा और आपकी ऑडियंस को गुमराह कर सकता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ भी है, वो आपके साथ गुमराह कर सकता है, और गुमराह वो करेगा तो फिर आपको आएगी प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम होगी तो लोग तो भाई आपको ही भला बुरा कहेंगे, तो ऐसे आपको बचना है। अब बात करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आपका चैनल हैक हो जाए तो आपको क्या करना है। मैंने कमेंट के बारे में आपको बता दिया, कमेंट में स्पैम कैसे बच सकते हैं, इसके अलावा डुप्लीकेट जो चैनल है उससे आप कैसे बच सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है थर्ड की, मान लो चैनल ही हैक हो जाए, चैनल हैक होता कैसे पहले वो समझ लीजिए। चैनल हैक होता है कोई आपको किसी ना किसी तरीके से स्पैम करता है, कोई लिंक पे क्लिक कराता है, कोई ना कोई मेल करेगा आपको, फिर आपको व्हाट्सअप पे ले लेगा, टेलीग्राम पे लेगा, कुछ ना कुछ तरीके से वो आप पे लिंक पे क्लिक करा के एक्सेस ले लेगा आपके डिवाइस का। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर आपका चैनल हैक हो जाए तो आपको क्या क्या करना है। देखिए अगर आपका चैनल हैक हो जाए तो सबसे पहले आपको घबराना बिल्कुल नहीं, आप क्या घबरा जाते हो किसी बड़े यूट्यूबर को मेल करते हो भैया मेरे साथ ये हो गया वो, कुछ नहीं करना, आपको घबराना नहीं है, आपको ये पहले खुद से टेस्ट करना है कि क्या मैं अपने चैनल का एक्सेस वापस ले सकता हूँ। तो अगर आपके पास अपनी जीमेल का एक्सेस है, अगर जीमेल का एक्सेस है तो आप अपना सिक्योरिटी चेकअप कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना यूआरएल, इस यूआरएल को आप डालें और यहाँ पे जाके आप अपना टेस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी चेकअप। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास अपना एक्सेस नहीं है, आपके पास एक्सेस ही नहीं है अपनी जीमेल का, तो आप इस वाले यूआरएल पे जा सकते हैं, रिकवरी का ये एक यूआरएल है, इस पे जाके अपने चैनल को भी रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और एक्सेस भी है तो आप डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं यूट्यूब से। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, ना तो एक्सेस है, ना तो आप ये जो मैंने साइटें बताई यूआरएल बताई इन पे भी कुछ समस्या सॉल्व नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर आप एक काम करें कि यूट्यूब को ट्वीट करें, यूट्यूब को ट्वीट करके बताएं कि मेरा ये चैनल था, चैनल का ये आईडी था। और एक चीज ध्यान रखें, अपने चैनल की आईडी और यूआरएल हमेशा अपने पास अलग से रखें, क्योंकि जब आपका चैनल डिमोनेटाइज होता है, कुछ भी दिक्कत होती है, आपका चैनल बंद होता है, सस्पेंड होता है, टर्मिनेट होता है, हैक होता है, तो वो आपसे मांग सकते हैं यूट्यूब टीम, तो आप उनको प्रोवाइड करें कि सर ये मेरा चैनल, ट्वीट कर दें। सिंपल ट्वीट आप करेंगे, यूट्यूब की टीम तुरंत एक्शन लेगी और आपके चैनल को वापस लाने का ट्राई करेगी अगर आप जेन्युइन है तो। तो ये चीजें हैं, ये मैंने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी, और अब आप अगर सीख गए हैं तो आप इनको फॉलो करेंगे और अपने चैनल को हमेशा बचा के रखेंगे, बिकॉज एक क्रिएटर के लिए चैनल उसकी प्रॉपर्टी होता है, उसकी रोजी रोटी होता है। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करना, इसी तरह का कॉन्टेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।